लंकापति रावण, असुरों का राजा, 10 सर, वेद पुराणों का भरपूर ज्ञान, लेकिन अहंकार से भरा मन। इसी अहंकार के कारण लाख अच्छाइयाँ होने के बाद भी रावण का विनाश हुआ था। रावण की तरह हमारे पुराणों में ऐसे कई और असुर हैं जो बहुत ताकतवर थे, पर उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। और ऐसे ही असुरों का नाश करने के लिए देवी देवताओं ने अनेकों रूप लिए और इस सृष्टि को उनके पापों के बोझ से मुक्त किया। इस दृष्टि से हमारी पौराणिक कथाओं को दिशा देने में इन असुरों के अस्तित्व का काफ़ी महत्व रहा है। भैंसे का सर और इंसान का शरीर लेकर जन्मा एक भयानक राक्षस, जिसे ना ही कोई पुरुष मार सकता था और ना ही कोई जानवर। महिषासुर, जिसने ब्रह्मा जी से ये वरदान हासिल किया था कि संसार का कोई भी पुरुष या जानवर कभी भी उसका वध ना कर सके। ब्रह्मा जी ने उसकी इस इच्छा को पूरा किया, पर साथ ही उसे चेतावनी भी दी कि उसका वध एक औरत के हाथों ज़रूर हो सकता है। अहंकार में डूबा महिषासुर समझता था कि कोई औरत इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती कि उसका वध कर सके, और इसलिए वो खुद को अमर समझने लगा। उसने पूरे संसार में कहर बरसाना शुरू कर दिया। और फिर बारी आई इंद्रलोक की। जब महिषासुर और देवताओं के बीच युद्ध छिड़ा, तो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी देवता उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। महिषासुर के आतंक से देवलोक को बचाने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित किया, और तब प्रकट हुई माँ दुर्गा, जो कि देवी पार्वती यानी स्वयं शक्ति का ही एक रूप है। मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य के अनुसार अपने शेर पर सवार माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। महिषासुर अपनी शक्तियों से कई दिनों तक अपना रूप बदलकर माँ दुर्गा के साथ छल करने का प्रयास करता रहा, पर जैसे ही वो एक भैंसे के रूप में आया, माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती को फाड़ कर उसका वध कर दिया। और तभी से देवी को नाम मिला महिषासुर मर्दिनी। सिंहिका नाम की एक असुरी ने हजारों साल तक तप करके ब्रह्मा जी से ये वरदान हासिल किया कि वो किसी भी चीज़ या जीव को उसकी परछाई से पकड़कर अपनी ओर खींच सकती है। ये वही असुरी थी जिसका सामना समुद्र के बीच बजरंग बली हनुमान जी से हुआ था। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के अनुसार हनुमान जी माँ सीता से मिलने लंका जाने के लिए महासागर को पार कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक महसूस हुआ कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें पीछे खींच रही है। जब उन्होंने नजरें घुमाई तो उन्हें पहाड़ों के पीछे छिपी सिंहिका दिखी, जो उनकी परछाई को खींच रही थी। हनुमान जी ने खुद को एक कीड़े के समान छोटा कर दिया और वो सिंहिका के मुंह से होकर उसके शरीर के अंदर चले गए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से सिंहिका की आंतों को फाड़ दिया और तेज गति से उड़कर उसके शरीर से बाहर आ गए। सिंहिका दर्द से कराह उठी और भाग कर कहीं छिप गई। कुछ लेजेंड्स के अनुसार जिस जगह जाकर सिंहिका छिपी थी, वही आज बरमुडा ट्रायंगल है। बरमुडा ट्रायंगल को एक ऐसी जगह माना जाता है जो किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींच लेता है और फिर वो चीज़ हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ये वही शक्ति है जो सिंहिका के पास थी। अपने खून की हर एक बूंद से पुनर्जन्म लेने वाला एक राक्षस, जिसे मारने के लिए देवी शक्ति ने माँ काली का रूप लिया था। कहते हैं रक्त बीज के खून की बूंद जहाँ भी गिरती थी, वहीं से एक दूसरा रक्त बीज जन्म लेता था। देवी भागवत के 5वें स्कंद के अनुसार रक्त बीज को ये वरदान शिव जी से प्राप्त हुआ था। एक समय ऐसा आया जब देवताओं और असुरों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के दौरान रक्त बीज देवताओं के लिए एक समस्या बन गया, क्योंकि उसके वरदान के कारण उसे मारना लगभग नामुमकिन हो गया था। तब रक्त बीज का विनाश करने के लिए देवी ने माँ काली का रूप लिया। लाल आंखें, खुले बाल, माथे पर तीसरी आंख, गले में खोपड़ियों से बनी माला और कमर पर हाथों और पैरों से बना कमरबंद। एक हाथ में कटा हुआ सर और दूसरे हाथ में खून से सनी तलवार लेकर माँ काली रक्त बीज की ओर बढ़ी और रक्त बीज पर अपनी तलवार से कई वार किए। माँ काली अपनी जीभ से रक्त बीज के हर एक जख्म से निकलते खून के एक एक कतरे को पी गई
और इस प्रकार रक्त बीज का अंत हो गया। आपको क्या लगता है कौन सा असुर सबसे ज्यादा खतरनाक था? टेल अस इन द कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। राज के साथ बने रहिए और ऐसी अनदेखी, अनकही और अनसुनी कहानियों के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वन।